अपनी कार से हाईवे पे ट्रेवल कर रहा था। दोपहर का टाइम था और वो अपने मजे में अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। आगे एक पुल था जिसके नीचे नदी थी। जब वो आदमी पुल क्रॉस कर रहा था तो अचानक उसको लगा कि गाड़ी चलाने में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसको अंदाजा हो गया था कि गाड़ी का कोई ना कोई टायर तो पंक्चर हुआ है। उसने उसी वक्त गाड़ी साइड पे लगाई, उतर के देखा कि लेफ्ट साइड का पीछे वाला टायर पंक्चर हो गया। अब वो बंदा थोड़ा परेशान कि इतनी तेज धूप में मुझे टायर बदलना पड़ेगा। खैर जो भी कर लो, टायर तो चेंज करना ही पड़ेगा। उसने गाड़ी में से जैक निकाला, जैक को फिट किया, उसके बाद टायर के बोल्ट्स खोले और उनको एक साथ साइड में रख दिया। अब वो टायर को निकालने लगा, उसने जोर लगाया, छटके से पीछे खींचा। इसी दौरान उसका पांव बोल्ट्स पे लगा और चारों बोल्ट नदी में गिर गए। अब वो बंदा भयंकर वाला परेशान, टेंशन में, स्ट्रेस में, अब क्या होगा, अब मैं टायर नहीं चेंज कर पाऊंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे जहां पहुंचना है कैसे पहुंचूंगा, कितना लेट हो गया हूं, इतनी गर्मी में कोई दूर दूर तक नहीं है, मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता, शिट यार ये कहां फंस गया, क्या हो गया। अब वो निराश होकर खड़ा, उसकी सोच काम नहीं कर रही, क्योंकि जब भी वो सोचने बैठता उसको एक ही बात बार बार याद आती है कि सारे बोल्ट नीचे गिर चुके हैं और वो आगे नहीं जा सकता। अब ये बंदा परेशानी में साइड में खड़ा, काफी देर निकल चुकी है। अब सामने से उसको नजर आता है एक किसान आ रहा है। ये सोच रहा होता है इससे मदद मांगू ना मांगू, ये क्या मदद कर पाएगा मेरी। अभी ये सोच ही रहा होता है कि किसान खुद ही आकर पूछ लेता है, साहब कोई परेशानी है तो बताइए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। वो आदमी जो कि पहले से ही परेशान है, गुस्से में बोलता है, मेरा टायर पंक्चर हो गया, स्टेपनी लगाने लगा, बोल्ट नदी में गिर गए, आसपास कोई मैकेनिक नहीं है, तू भी क्या मेरी मदद करेगा। वो किसान समझ गया कि गर्मी और परेशानी की वजह से ये बंदा गुस्से में है। किसान मुस्कुराता है और कहता है कि साहब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक है जिसके पास आपको गाड़ी का सामान मिल जाएगा, और वहां जाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी के बाकी के तीनों टायर का एक एक बोल्ट निकाल कर इस टायर में लगा लो और फिर धीरे धीरे गाड़ी चलाकर वहां तक चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। वो आदमी हैरान रह गया, उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया, कहता भाई साहब जिस प्रॉब्लम से मैं आधे घंटे से जूझ रहा था इसने कितनी आसानी से उसका सलूशन दे दिया। उसने किसान को बोला, सॉरी यार मैं गुस्से में था, लेकिन तुझे इतनी जल्दी सलूशन कैसे मिल गया, पहले भी ये प्रॉब्लम हुई थी क्या कभी तेरे साथ। किसान मुस्कुराया और कहता ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फर्क है कि आप उस परिस्थिति में अपनी परेशानी के बारे में सोच रहे थे, मैं उसी परिस्थिति में हल के बारे में सोच रहा था। सो दोस्तों, या तो आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो सकते हो या फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो सकते हो। या तो प्रॉब्लम आते ही परेशान होते रहोगे, प्रॉब्लम के अलावा कुछ देखेगा नहीं, परेशानी की वजह से कुछ सोच नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो तो आप सॉल्यूशन की तरफ फोकस करोगे, आपका दिमाग हल ढूंढने में जाएगा ना कि परेशानी ढूंढने में। जब महाराणा प्रताप की सेना में अकबर की सेना के मुकाबले हाथी कम थे तो उन्होंने अपने घोड़ों के आगे नकली सूंड लगा दी कि हाथी उनको अपना समझ के मारे ना। उन्होंने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया कि हाथी कम है, उन्होंने सॉल्यूशन पे फोकस किया, घोड़ों को हाथी बना दिया। धीरूभाई अंबानी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटस को, अपनी माली हालत को प्रॉब्लम नहीं माना, उन्होंने पकौड़े बेचे, यमन में जाके जॉब करी, कुछ भी किया आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड थे, प्रॉब्लम सोच के रुक नहीं गए, बैठ नहीं गए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे कई नाम, इन लोगों ने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, हम तो गुलाम है, हम तो स्लेव है, गुलामी में रहना पड़ेगा, इन्होंने सॉल्यूशन पे फोकस किया कि कैसे देश को आजाद कर सकते हैं। एक और नाम जो मैं आपको बताना चाहूंगा जिसकी आवाज मैं अभी से सुन पा रहा हूं, वो है तुम, तुम्हारी आवाज, कि तुम प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, आज से सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। प्रॉब्लम्स हर जगह आएंगी, बिजनेस में आएंगी, पढ़ाई में आएंगी, रिलेशंस में आएंगी, लेकिन जो लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं उनको परेशानी के अलावा कुछ नहीं दिखता, परेशानी की वजह से दिमाग चलता नहीं, हिम्मत और टूट जाती है। लेकिन जो लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं वो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, हल पे फोकस करते हैं और हिम्मत और जुड़ जाती है। वो संजू मूवी में गाना था ना, इन गर्दिशों के बादल पे चढ़ के, वक्त का गिरिबान पकड़ के, पूछना है जीत का पता, कर हर मैदान फतेह। अगर आपको भी हर मैदान को फतेह करना है तो ये बात याद रखना कि आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है, हिम्मत तोड़नी नहीं हिम्मत बढ़ानी है, हर बार फोकस सॉल्यूशंस पे करना है, प्रॉब्लम की वजह से रुकना है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।